पटाखा जब आवाज नहीं करता है तो उसे देसी बोली में फूस बम कहा जाता है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परिवर्तन महारैली भी कई मायने में फूस बम साबित हुई है। रैली में हुड्डा ने भीड़ तो इकट्ठी की लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने का साहस नहीं जुटा पाए। वक्ताओं ने मंच से कांग्रेस की मुखालफत की लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान फिर भी नहीं किया। न तो सोनिया अथवा राहुल गांधी के होर्डिंग लगाए गए और नारे तो दूर की बात, उनका रैली में नाम तक नहीं लिया गया। हुड्डा तक ने यह कह डाला कि उनकी चार पीढ़ी कांग्रेस में थी, साथ ही कहा कि कांग्रेस अब भटक गई है और पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मेरा परिवार चार पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा। मेरा दादा स्वतंत्र सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी और मेरे को भी मौका मिला, मैंने पूरी सेवा की। लेकिन सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस में उपेक्षा के शिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली में कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रैली एक तरह से मजाक बनकर रह गई। मजाक हम इसलिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में एक तरह से पार्टी का मैनिफेस्टो तक पढ़ डाला, लेकिन ये किस पार्टी का था किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने बड़े बड़े चुनावी वायदे तक कर डाले लेकिन किस पार्टी की किस कैपेसिटी में कहे गए थे ये साफ नहीं हो सका। वायदे भी ऐसे किए गए जिन पर लोग अब चुटकियां ले रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार आती है तो चार उप मुख्यमंत्री होंगे। वो बोले, इनमें एक दलित, एक बैकवर्ड बी, एक ब्राह्मण तथा एक अन्य होगा। बैकवर्ड ए के लिए भी उन्होंने एक पासा फेंका। उन्होंने कहा, बैकवर्ड ए को जनसंख्या के हिसाब से चुनाव में टिकटें देने की जरूरत महसूस की गई है और वे देंगे। भाई यार, मौका मिला तो चार, चीफ मिनिस्टर तो एक होगा ना, चार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन? एक तो भाई बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड बी से होगा, और दूसरा एक दलित होगा और एक ब्राह्मण होगा, एक और कोई सा हो जाएगा। और बीसीए वर्ग, ए वर्ग की जो टिकट हैं, जो टिकटें होती है पार्टी की, बीसीए वर्ग को टिकट उनकी जनसंख्या के अनुसार दे जाएगी। उन्हें देता ही नहीं कोई, नहीं खाती ना ही लोहार ने, कोई टिकट कोई नहीं देता। कुमार ने, इनको देंगे हम टिकट। कुल मिलाकर हुड्डा को लगता था कि उनकी इस घोषणा से प्रदेश की तमाम जातियां उनके पीछे हो जाएंगी, लेकिन हुड्डा साहब ऐसा नहीं है। नेताजी पूरे जलसे में अपनी स्थिति तक स्पष्ट नहीं कर पाए, सिर्फ ये कहकर टाल गए कि 13 MLA व 12 अन्य की 25 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी। फैसला यानी कि उनके भविष्य को लेकर। हुड्डा कांग्रेस में टिके रहेंगे, बाहर जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और दल में घुस जाएंगे? हुड्डा साहब, कमेटी ही बनानी थी तो पहले बना लेते, बहुत समय था। जनता बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, कोई फैसला लेंगे और ये फैसला उन्हें मान्य होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। आज की इस रैली में बड़ा फैसला न ले पाने से हुड्डा की स्थिति कमज़ोर हुई है। कमज़ोर इस मायने में हुई है क्योंकि वो बड़ा फैसला लेने से घबरा गए। सूत्रों ने यह भी कहा कि गांधी हाउस से उनको कोई हरी झंडी मिली है, लेकिन राजनीति अगर हुड्डा कर सकते हैं तो गांधी फैमिली क्यों नहीं कर सकती? हमारा ये मानना है कि जिस रैली में गांधी परिवार का एक फ़ोटो तक न लगा हो और उनका गुणगान तो दूर, उनका नाम तक न लिया जाए, ऐसे नेता को ये फैमिली कोई ताकत देगी ऐसा हमें लगता नहीं है। इन सब से हटके हुड्डा ने तमाम लुभाने वायदे भी किए। किसानों के कर्ज माफी की बात भी कह डाली। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये कर दी जाएगी। महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर बसों में यात्रा मुफ्त करने को मिलेगी। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरी माताएं बैठी हैं, तुम भी सुन लो भाई, बुढ़ापा पेंशन महीना का 5,000 रुपये दूंगा। और जो ये भाजपा सरकार ने ठगी करी है 5 साल में, जो 200-200 रुपये बढ़ाए हैं, जो 200-200 रुपये बढ़ाए हैं,
इस भाजपा सरकार ने ठगी करी हमारे बुजुर्गों के साथ, कहा कुछ किया कुछ, 200-200 डालने के, तो ये जितना जो है ना अंतर 24,000 रुपए भाई जो बैलेंस है वो हम जाएंगे जिनकी जो ठगी कर रखी है। ये रेट जो बना है, और मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, दिल्ली ने कर दिया भाई, हमारे को क्या तकलीफ है। इनका हरियाणा रोडवेज में महिलाओं का फ्री, जाओ जाओ मर्जी जाओ। लेकिन हुड्डा साहब, हरियाणा की जनता अब समझने लगी है चुनाव जीतने के लिए किए जाने वाले इन वायदों और घोषणाओं का खामियाजा सीधे तौर पर जनता को ही भुगतना पड़ता है। उन्हीं की जेब से पैसा निकलता है जो आप बांटने के लिए ललायत हो रहे हैं, लिहाजा इन बातों में जनता शायद अब नहीं आएगी। रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खर्ची और पर्ची का नाम लेकर एक बड़ी बात फिर से कही। वो ये कही कि कोई एक भी व्यक्ति हरियाणा में खड़ा होकर कह दे कि उनके राज्य में कोई नौकरी पैसा देकर लगा हो। ना खर्ची ना पर्ची, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, 10 साल हमारी सरकार रही, कोई खड़ा होकर हरियाणा में ये कह दे कि उसकी नौकरी में उसकी एक पैसा लगा? ये झूठे बदनाम करने के लिए करते हैं। यहां वे जनता के साथ एक बड़ा मजाक कर गए। उनसे ये उम्मीद नहीं थी, वे ये भूल गए कि उनके राज्य में विधायक तथा मंत्रियों की चादर कितनी मैली थी। इस बात के प्रमाण पहले जग जाहिर हो चुके हैं। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परिवर्तन महारैली महारैली तो थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं दे पाई और लोगों को निराशा हाथ लगी और लोग निराश होकर इस रैली से निकले। अब देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले चंद दिनों में क्या फैसला लेते हैं। क्या वो कांग्रेस में टिके रहेंगे या फिर नया रास्ता अख्तियार करेंगे? और अगर नया रास्ता ही अख्तियार करना था तो आज से बेहतर मौका उनके लिए नहीं हो सकता था जो उन्होंने मिस कर दिया है।